रेवाड़ी जिले के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 72 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिला प्रशासन और अलर्ट हो गया है। एहतियातन पॉजिटिव केस मिलने वाले स्कूलों को 3 दिन के लिए जहां बंद किया गया था, अब उन स्कूलों को 14 दिनों तक बंद करने का फैसला लिया गया है। साथ ही जिलाधीश शशिंदर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर ज़्यादा सैंपल्स लेने के निर्देश दिए हैं और शिक्षा विभाग को बच्चों और अभिभावकों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने भी रेवाड़ी के स्कूलों में बड़ी संख्या में पॉजिटिव केस मिलने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिए थे कि कोरोना से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का पालन कराया जाए। सभी स्कूलों के गेट पर सैनिटाइज की व्यवस्था, 2 गज की दूरी और सभी मास्क का इस्तेमाल करें, इस बात को मॉनिटरिंग की जाए और जो शिक्षा विभाग और हेल्थ डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो बाकायदा औचक निरीक्षण करें ताकि सरकार की तरफ से जो कोरोना के बचाव के लिए गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन कराया जा सके। आपको बता दें कि हाल में ही 9वीं से 12वीं तक स्कूलों को खोलने की सरकार ने नियम व शर्तों पर अनुमति दी थी और अब सभी छात्र और स्टाफ की कोरोना जांच अनिवार्य की गई थी और करीबन 800 से ज़्यादा सैंपल्स रेवाड़ी जिले में छात्रों के लिए गए थे, जिसमें से कुछ सैंपल्स की रिपोर्ट अब सामने आई तो उसमें से 72 छात्र अलग अलग स्कूलों के कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि शेष सैंपल्स की रिपोर्ट आना अभी बाकी है, जिनकी रिपोर्ट्स आने के बाद संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। जिले के गांव सिया स्थित ITI व जिले के राजकीय स्कूल जाटूसाना, गुरावड़ा, दड़ोली, कुंड, संगवाड़ी, आसिया की माजरा, मसानी व प्राइवेट स्कूल, शहीद मेमोरियल, तुर्कियावास, RPS व यूरो स्कूल के 837 बच्चों की सैंपलिंग की गई थी, जिसमें से 72 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जिन्हें आइसोलेट किया गया है। वहीं अगर गुरुवार के जिले के हेल्थ बुलेटिन की बात करें तो जिले में आज 106 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 69 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हुए हैं और एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की आज मौत हो गई। जिला से अभी तक 1,07,095 सैंपल्स लिए गए हैं, जिनमें से 9,436 नागरिक COVID-19 पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें से 8,876 नागरिक ठीक हो चुके हैं, जबकि अब तक कोरोना वायरस से 48 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब जिले में कोविड पॉजिटिव केसों की संख्या 512 है, जबकि जो पहले सैंपल्स अभी लिए गए हैं उनमें से 1,320 सैंपल्स की रिपोर्ट आना भी बाकी है। प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहला तो यही है कि हमने, जैसे ही हमें ज्ञात हुआ कि स्कूल के 2 बच्चों को हुआ है, हमने बड़ी एक्सटेंसिव टेस्टिंग कराई है और 12-14 स्कूलों की कराई है, तो उसमें भी कुछ बच्चों को आया है और अब उसको मैनेज करेंगे राज्य सरकार के निर्देशानुसार और लोकल जिला शिक्षा अधिकारी सिविल सर्जन से बात करके, हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उससे बात करके अब हम अगला स्टेप लेंगे और कहाँ टेस्टिंग करानी है, कौन से स्कूल कितने समय के लिए बंद करने हैं, ये निर्णय आज हम लेंगे। काफ़ी बच्चों की रिपोर्ट आना बाकी भी है सर, हो सकता है कि उस उनमें भी बड़ी संख्या में बच्चे पॉजिटिव आ सकते हैं, क्योंकि अभी शायद 100 से ज़्यादा हो गए आई थिंक बच्चे जो पॉजिटिव है फिलहाल। अभी 72 बच्चों की हमारे पास रिपोर्ट प्राप्त हुई है, लेकिन हाँ कुछ उसमें रिपोर्ट आनी शेष हैं, तो जैसे ही आएंगी हम आपसे शेयर करेंगे, स्कूल में शेयर करेंगे, उनके अभिभावकों से शेयर करेंगे। जो स्कूल है सर, जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन उसका पालन नहीं हो रहा है, जैसे जो प्राइवेट स्कूल है वो छोटे बच्चे को भी कॉल करके बुला रहे हैं बकायदा। जहाँ भी ऐसी कोई शिकायत आती है हम एक्शन लेते हैं, तो इस वक्त तो ऐसा नहीं है, सिर्फ सरकार के निर्देशानुसार ही स्कूल कार्यरत हैं। कल सर VC हुई थी हेल्थ मिनिस्टर के साथ में, तो क्या कुछ रहेगा आगे की? आगे जैसे कोरोना मैनेजमेंट हम अपने ज़िले में हमने पहले की है जो काफ़ी संतोषजनक है, और उसी प्रकार से हम इसको अगला जो 3-4 महीने का समय है उसकी हम मैक्रो प्लानिंग हमने कर ली है और मुझे आशा है कि कोरोना पे भी हम कंट्रोल कर लेंगे। सर जैसा कि अब सर्दी का मौसम है तो संभावना ये जताई जा रही है कि बढ़ सकता है कोरोना, तो ऐसे में लोगों को क्या कहेंगे? और अभी जिस तरह से माहौल चल रहा है कि 2 गज की दूरी और मास्क का लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो सकता है, लापरवाही लोग कर रहे हैं। पब्लिक से, जनता से, सबसे, इवन बच्चों से, उनके अभिभावकों से, या हर सज्जन से सबसे मेरा यही अनुरोध है
कि जो सरकार के दिशा निर्देश हैं जो इसमें बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजेशन और जो दूसरे चीज़ें सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य विभाग की जो दूसरे गाइडलाइंस हैं उन सब का पालन करें तो इससे निश्चित ही बचाव होगा।